आज हम देखेंगे हमारे पार्ट फाइव के अंदर, यानी कि हमारा जो चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आवर्त सारणी के गुण हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि उसके जो तत्व हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आवर्त सारणी में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पार्ट फोर था उसके अंदर हमने अलग अलग ब्लॉक के बारे में डिस्कस करा था, जो हमारे ब्लॉक कौन कौन से थे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैंने आपको एस ब्लॉक बताया था आवर्त सारणी का, पी ब्लॉक बताया था, डी ब्लॉक बताया था और एफ ब्लॉक के तत्वों के सारणियाँ बताई थी मैंने, जो कि हमारा पार्ट फोर था। आपको वीडियो के अंदर यहाँ पर पार्ट थ्री लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो हमारा पार्ट फोर है। तो उस वीडियो में मैंने आपको हर एक ब्लॉक के एलिमेंट बताए थे, यानी कि टोटल 118 एलिमेंट्स मैंने आपके सामने शो किए थे, और हर एक पीरियड यानी कि हर एक आवर्त और वर्ग के बारे में समझाया था कि वर्ग क्या होते हैं, आवर्त क्या होते हैं और किस तरीके से हेनरी मोजले ने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी आवर्त सारणी के कुछ मुख्य गुणों के बारे में। क्या करेंगे? आवर्त सारणी के कुछ मुख्य गुणों के बारे में, जिन्हें हम कहेंगे यहाँ पर, जो हमारा चैप्टर का अगला टॉपिक है, उन्हें हम कहेंगे गुणों में आवर्तिता। गुणों में आवर्तिता यानी कि कैसे कैसे, यानी कि तत्व अपने गुण को कैसे दोहराते हैं दूसरे के सापेक्ष, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष वो जो तत्व है हमारे किसके आवर्त सारणी के, किस तरीके से एक दूसरे को दोहराते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा कि गुणों में आवर्तिता का अर्थ होता क्या है। तो गुणों में आवर्तिता का अर्थ यह होता है कि किसी परमाणु के भौतिक व रासायनिक गुण, क्या, किसी परमाणु के भौतिक व रासायनिक गुण किसी निश्चित समय अंतराल के बाद क्या हो, दोहराए गए हो। क्या किए गए हो? दोहराए गए हो, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? गुणों में आवर्तिता कहेंगे। तो इनके गुण क्या क्या होते थे? मैंने क्या बोला था? भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक गुण क्या हो? भौतिक व रासायनिक गुण एक समय अंतराल के बाद क्या हो, आवर्त सारणी में एक को रिपीट करते हो, यानी कि आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओ और आवर्त में बाएं से दाएं जाओ, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर और अप टू बॉटम आने पर इनके गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और यही जो नियमित परिवर्तन है, क्या है ये जो नियमित परिवर्तन है, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण का जो नियमित परिवर्तन चलता है हमारे किसमें? आवर्त सारणी में। एक तो आवर्त में कैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, तो वो जो नियमित परिवर्तन होगा उसी को हम कहेंगे गुणों में आवर्तिता। अभी गुणों में आवर्तिता के जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं कि हम किन किन पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पहला पॉइंट होगा हमारा वो होगा परमाणु त्रिज्या के बारे में। क्या होगा? परमाणु त्रिज्या के बारे में कि परमाणु त्रिज्या होता क्या है, क्या परमाणु त्रिज्या होती क्या है। त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब आप सभी को पता है कि त्रिज्या होती क्या है। तो बता दूं मैं एक तरह से कि मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं कि किसी सर्कल या किसी वृत्त की उसके केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी पॉइंट ए, यानी कि ये पॉइंट ए और बी के मध्य की दूरी को हम क्या कहेंगे? एक तरह से त्रिज्या कहेंगे। इसी प्रकार हमारे परमाणु में भी त्रिज्या होती है, जिसे हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब वो परमाणु त्रिज्या होती क्या है? जैसे कि वृत्त में तो केंद्र होता है, उसी प्रकार परमाणु में क्या होता है? एक नाभिक होता है। क्या होता है? एक नाभिक होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक नाभिक बनाता हूँ आपके सामने। ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो ये जो था हमारा, ये क्या था? नाभिक। अब नाभिक की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन
और उनके मध्य की दूरी को नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या। यानी जो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा की है, क्या हो गई यहां पर कि किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या के अंदर कुछ वेरिएशन आता है हमारे किसके अंदर? आवर्त सारणी में, कि आवर्त सारणी में हम इसे कैसे पता लगाएं कि परमाणु त्रिज्या का घटता क्रम क्या है और बढ़ता क्रम क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि आवर्त सारणी में अगर हम आवर्त में किसमें आवर्त में लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे तो हमेशा परमाणु का आकार छोटा होता है। क्या होता है? परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि परमाणु का आकार छोटा होने का क्या रीज़न है, क्या रीज़न है? तो परमाणु के आकार छोटा होने का रीज़न है इसमें नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, या इसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब आप सोचेंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? कि प्रभावी नाभिकीय आवेश ये एक ऐसा गुण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। क्या है? एक परमाणु का महत्वपूर्ण गुण है प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक ऐसा गुण है जो परमाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। ये गुण क्या करता है कि नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का एक आकर्षण बल होता है। क्या होता है? एक आकर्षण बल होता है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या है? धनात्मक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक। तो आप सभी को पता है कि धनात्मक और ऋणात्मक आपस में आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? आपस में आकर्षण करते हैं। इसी वजह से क्या होगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बल उत्पन्न होगा और नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा? आकर्षण बल महसूस किया जाएगा। लेकिन आपके परमाणु में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य जो प्रतिकर्षण होता है उसकी वजह से ये बल क्या हो जाता है? थोड़ा संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा संतुलित हो जाता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिस कक्षा में वह चक्कर लगा रहा है। अन्यथा अगर ये ऐसा प्रतिकर्षण बल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में आ जाता और क्या हो जाता? नाभिक में गिर जाता, जिससे परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। इसी वजह से आप जब आवर्त में जाते हो तो परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होता है, जिससे वहाँ पर क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या होगा? आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। इसी प्रकार अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो यही मान क्या होगा? आपके कम हो जाएगा, यानी कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान कम हो जाएगा और परमाणु का आकार बड़ा होगा। यहाँ पर क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है, आपकी कक्षाओं की संख्या बढ़ जाती है। जबकि आप आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो कोश होंगे वो समान रहेंगे, यानी कि बढ़ेंगे नहीं, समान रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, जिससे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे और परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, साथ के साथ कोश की संख्या भी बढ़ेगी, यानी कोश बढ़ता है वहाँ पर, यानी कोशों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, जिससे परमाणु आकार क्या होगा? आपका बढ़ेगा। यानी जो परमाणु पहले छोटा था फिर ऊपर से नीचे आओगे वर्ग में तो परमाणु का आकार बड़ा होता चला जाएगा।
इसी वजह से क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो नाभिक के आवेश का मान कम, और आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नाभिक के आवेश का मान ज़्यादा। इस चीज़ को आप शॉर्ट एंड स्वीट में कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। वो किस तरीके से कि यहाँ पर एक वेरिएशन दिया जाता है, एक अनुपात या एक मैं बता दूँ कि एक संबंध दिया जाता है परमाणु आकार और प्रभावी नाभिक के आवेश के मध्य है। तो मैं उस संबंध को यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। तो वो संबंध क्या है, परमाणु आकार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कि जो परमाणु का आकार होता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर जैसे 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 परमाणु का आकार बड़ा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा, और परमाणु का आकार कम होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसीलिए जो ये परमाणु त्रिज्या है उसी से हमारे परमाणु का आकार डिसाइड हो पाता है कि परमाणु आकार छोटा है या बड़ा है। और उसके लिए हम किस बल की आवश्यकता होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश की आवश्यकता होती है। अब जो प्रभावी नाभिकीय आवेश था हमने समझ लिया कि क्या होता है, परमाणु त्रिज्या के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो अगला पॉइंट आता है गुणों में आवर्तिता का, वो ये आता है अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारी आयनन ऊर्जा। या एंथैल्पी भी कह सकते हो। हम इसे आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं। अब आयनन एंथैल्पी और आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जाती है, किसी गैसीय उदासीन परमाणु में, किसमें, किसी गैसीय उदासीन परमाणु में, गैसीय अवस्था में। एक्चुअली क्या होता है कि जब परमाणु होता है तो वो गैसीय अवस्था में कोई उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन परमाणु होता है। तो क्या है परिभाषा, किसी गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए, या हम इसे कह सकते हैं ग्रहण तो हम कराएंगे नहीं वैसे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। क्या कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कराने के लिए। त्याग कराने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, जो ऊर्जा होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी नाम दिया जाता है उसे, हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यानी किसी उदासीन परमाणु को आयनित बनाने के लिए, यानी कि धनायन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे ऊर्जा देंगे। और कभी कोई परमाणु या तत्व धनायन तभी बनेगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या किसी इलेक्ट्रॉन को अपने बाह्यतम कोश से क्या करेगा, निकलेगा, तभी वो धनायन का निर्माण करेगा। तो आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई, एक बार वापस रिपीट करते हैं, किसी गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं या आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें हमेशा आपको धनायन बनेगा, क्या बनेगा आपका, धनायन का निर्माण होगा। और मैं बता दूं कि धनायन हमेशा छोटा होता है, क्या होता है, धनायन का जो आकार होता है वो छोटा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं इसके अंदर आपके लिए, कि सोडियम है आपके पास, क्या है, सोडियम, सोडियम का ही परमाणु है, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दे 1 IP दी, क्या ही, 1 IE, इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपने दी तो क्या होगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा वो और धनायन बना देगा।
क्या बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देना आयन बना देगा। अब इसमें क्या होता है कि आपका परमाणु जो होता है उसका आकार छोटा हो जाता है, क्या होता है इसमें परमाणु आकार छोटा हो जाता है। मान लीजिए पहले तो था इतना बड़ा आकार और अब इसका आकार जो है वो इतना सा रह गया, क्यों, क्योंकि उसने क्या कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और इस एक इलेक्ट्रॉन निकालने से नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हो गया, यहाँ पर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आयनन ऊर्जा है वो क्या है और आयनन एंथैल्पी भी क्या है। एक और वेरिएशन इसमें ये आता है कि पहली आयनन ऊर्जा यानी पहली आईई जो है वो हमेशा दूसरी आयनन ऊर्जा से कम होती है, यानी कि जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसी प्रकार जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जब आप पहले एक बार दे दी तब आपको कम ऊर्जा लगेगी, लेकिन आप जैसे ही सेकेंड बार ऊर्जा दोगे तो आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और थर्ड टाइम निकालोगे तो आपको और अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि के बारे में, इलेक्ट्रॉन लब्धि होती क्या है उसके बारे में अब हम जानेंगे। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ के बारे में एक यानी एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि और अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा उसको। जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है आयनिक त्रिज्या के बारे में, आयनिक त्रिज्या ऐसी त्रिज्या है जो किसी केवल और केवल आयन की होती है, किसकी होती है, आयन की होती है, यानी कि एक तो धनात्मक आयन होता है और एक आपके सामने होता है ऋणात्मक आयन, यानी कि दो तरह के आयन होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं जिन्हें हम धनायन और ऋणायन कहते हैं। तो अब मैं बताऊं आपको कि जैसा मैंने पहले सोडियम का उदाहरण लिया था कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो क्या बनेगा, धनायन, यानी हमेशा धनायन तब बनेगा जब कोई तत्व या कोई परमाणु क्या करे, इलेक्ट्रॉन को त्यागे, तो उसमें क्या होता है कि धनायन में परमाणु आकार छोटा हो जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद परमाणु का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है। पहले ही देखिए कि मैं यहाँ पर परमाणु आकार बड़ा था, अब त्यागने के बाद क्या हो गया, परमाणु आकार छोटा हो गया। एक चीज़ इससे स्पष्ट हो जाती है कि धनायन हमेशा छोटा होता है, यानी धनायन का जो आकार होता है वो छोटा होता है। अब हम ऋणायन की बात करते हैं, तो ऋणायन क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, पहले तो था इतना सा और अब हो गया उसका आकार बड़ा। तो एक चीज इससे स्पष्ट हो गई क्या कि ऋणायन का आकार बड़ा होता है। अब इसमें एक चीज, एक वेरिएशन, एक संबंध और आ जाता है कि परमाणु आकार जो कि आयनिक त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी प्रकार हमने देखा था कि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होता है, परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको आवर्त सारणी में मोस्टली चीज़ें इस संबंध में मिलेगी, यानी कि हर एक पॉइंट में लगभग लगभग आपको ये संबंध देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने अभी यहाँ पर भी देखा है कि परमाणु आकार में भी क्या हो रही है, भिन्नता आ रही है, कब, धनायन और ऋणायन के समय। अब एक चीज़ और
कि जब मैंने आयन एंथैल्पी बढ़ाई थी तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब आयन एंथैल्पी में हम आवर्त में कहाँ पर आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसमें आयनन ऊर्जा में, हम आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं अभी, आयनन ऊर्जा में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसमें आवर्त में, तो जो आयनन है आयनन ऊर्जा इसमें क्या होगा कि आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्या होगा यहां पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, कहां से अपर टू बॉटम आएंगे, तो क्या होगा आयनन ऊर्जा का मान घटता है यहां पर, क्या होगा आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्यों, क्योंकि क्या होगा कि आपका परमाणु आकार इधर तो छोटा होता है, और यहां पर परमाणु आकार बढ़ता है, इसी वजह से क्या होता है कि आयनन ऊर्जा का मान आवर्त में तो बढ़ता है और वर्ग में घटता है। अब हम बात करेंगे हमारी इलेक्ट्रॉन लब्धि के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है। इसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है इसे क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखिए कि इसकी परिभाषा ये होगी कि किसी गैसीय अवस्था में उपस्थित, इसमें गैसीय अवस्था में मोस्टली परिभाषा आपको गैसीय अवस्था के लिए ही मिलेगी, कि गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु, किसके लिए उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, ग्रहण कराने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। मैंने एक चीज बताई थी कि आयनन ऊर्जा में हमेशा धन आयन का निर्माण होगा, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अंदर आपको हमेशा ऋण आयन मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करवाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा परमाणु आकार बढ़ेगा। क्या होगा यहाँ पर परमाणु आकार बढ़ेगा। अब परमाणु आकार बढ़ेगा तो उसका आवर्त और वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो देखिए आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे कहाँ पर, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु आकार छोटा होता है, क्या होता है परमाणु आकार छोटा होता है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या होगा यहाँ पर परमाणु आकार छोटा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है यहाँ पर, क्या होती है बढ़ती है, क्लियर। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे यानी कि अपर टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो होगा वो कम होगा, क्या होगा कम होगा, क्यों, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ जाएगा, क्या होगा परमाणु आकार बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान कम हो जाएगा, और आवर्त में परमाणु का आकार छोटा होता है, इस वजह से क्या होगा आपके इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान बढ़ जाएगा। तो ये जो थे हमारे पॉइंट क्या थे, हमारे जो हमने पॉइंट चार डिस्कस करे थे वो चौथा पॉइंट क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा विद्युत ऋणता।
जो हमारा अगला फिफ्थ पॉइंट है वो है विद्युत ऋणता के बारे में, कि विद्युत ऋणता किसे कहते हैं या विद्युत ऋणता होती क्या है। तो विद्युत ऋणता बेसिकली उसे कहते हैं कि किसी यौगिक में, यहाँ पर हम किसी यौगिक लेंगे या आप कह सकते हो किसी परमाणु में, किसी परमाणु में अन्य किसी परमाणु से, अन्य किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति या क्षमता उस परमाणु के क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। तो विद्युत ऋणता की परिभाषा क्या हो गई बच्चों, कि किसी परमाणु द्वारा किसी अन्य परमाणु से, उसके संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। ये जो विद्युत ऋणता है आपके आवर्त सारणी में, विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आपके फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन, यानी कि एफ किसकी होती है, फ्लोरीन की, जो हेलोजन ग्रुप का मालिक है, क्या है, मालिक, इसे फ्लोरीन कहते हैं। इसकी विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है। अब आवर्त और वर्ग में इसका इफेक्ट बेसिकली ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप जब वर्ग से वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो उस परमाणु आकार बढ़ने के कारण क्या होगा कि विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ेगा। और जब आप वर्ग में, किधर, वर्ग सॉरी आवर्त में बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट जाओगे तो परमाणु आकार छोटा होगा, तब भी आपके विद्युत ऋणता का मान बढ़ता चला जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश वैसे बढ़ता है। लेकिन अगर मैं सही मायने में कहूँ कि आवर्त में इसका मान क्या होगा, विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा, और वर्ग में इसका मान कम होगा। यहाँ पर परमाणु आकार तो बढ़ता है लेकिन विद्युत ऋणता का मान नहीं बढ़ पाता, क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है और आवर्त में इसका मान हमेशा बढ़ेगा। अब तक मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं उसमें आवर्त में हर चीज़ का मान बढ़ रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर परमाणु आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि त्रिज्या का मान जब हम आवर्त में जाते हैं तो छोटी होती जाती है, और आयनन ऊर्जा भी आवर्त में बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान भी आवर्त में बढ़ता है, और विद्युत ऋणता का मान भी क्या होता है, आवर्त में बढ़ता है। तो अब तक हमने केवल ये 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आएगा वो होगा संयोजकता, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे कि संयोजकता होता क्या है आखिरकार, कि परमाणु की जो संयोजकता है वो क्या होती है। कि संयोजकता किसे कहते हैं, तो संयोजकता उसे कहते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर, परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, उस तत्व की संयोजकता कहेंगे। यानी कि परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु के क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। ये जो संयोजकता हमेशा और हमेशा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये उस पर निर्भर करती है। जैसे कि जो मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपके सामने, सोडियम का मैंने ले लिया, या चलो मान लीजिए मैं आपके सामने ले लेता हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 12, और इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं आपके 2s2, 1s2, 2s2, 2p6
यानी कि कितने हो गए 10 और 3s। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश का, इसका जो परमाणु क्रमांक है 12, उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो देखिए ये जो दूसरा, ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इसकी संयोजकता कहलाएगी। हालांकि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको जांचा जाता है, लेकिन आपके कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 12, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 12, कितनी होगी 12। तो आप उसे कुछ इस प्रकार से तोड़िए कि 1s2 2s2 2p6, फिर आता है 3s2। ये जो 3s2 है ये इसका बाह्यतम कोश है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये जो 2 है इसकी संयोजकता कहलाएगी, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। आप सभी को पता है कि मैग्नीशियम एक धातु है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है। तो ये जो संयोजकता थी उसकी परिभाषा क्या हो गई कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु या तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब ये जो संयोजकता होती है ये अलग अलग कोश की अलग अलग होती है या अलग अलग कक्षक की अलग अलग होती है। जैसे कि आवर्त सारणी में जो हमारा एस ब्लॉक है, क्या है एस ब्लॉक, उसकी जो संयोजकता होती है पहले वर्ग में और दूसरे वर्ग में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? पहले वर्ग और दूसरे वर्ग में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। पहले वर्ग में तो होती है आपके +1 और +2, यानी कि एक संयोजकता और दो संयोजकता। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसमें पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की जो संयोजकता है वो पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो यानी कि जैसे कि 3, 4, 5, फिर 4, 3 और फिर 1 भी आएगी। तो यहाँ पे आप पहले 2 ले लीजिए, फिर 1 और 0, ये कुछ इस प्रकार से चलेगी। क्लियर? तो देखिए क्रम क्या होना, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0। क्लियर? तो ये जो होती है आपकी किसकी संयोजकता होती है? पी ब्लॉक की होती है। तो पी ब्लॉक आपके कहाँ से कहाँ तक है? 13 से 17 वर्ग, और जो 18वां वर्ग है वो आपका 0 वाला है। क्लियर? अब हम इसमें डी ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक की जो कहाँ से कहाँ तक इसका वर्ग है? वर्ग 3 से 12 वर्ग तक ये फैला हुआ है, और इसकी जो संयोजकता है वो हमेशा वेरिएशन में आती है, अलग अलग प्रकार की संयोजकता होती है इसमें। तो ये जो संयोजकता होती है वो भी 3, 4, 5, 6, फिर 5, 4, 3 ऐसे चलती है, और ये जो संयोजकता है ये कुछ अलग अलग दर्शाता है, क्योंकि डी ब्लॉक ऐसा तत्व है या डी ब्लॉक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर क्या होता है कि एक ही तत्व अलग अलग संयोजकता दर्शाता है। इसमें जो डी ब्लॉक में सबसे अधिक जो संयोजकता है वो आपकी 7 है, 7 संयोजकता तक इसमें दर्शाई जाती है, वो भी मैग्नीज द्वारा, MN द्वारा दर्शाई जाती है कि उसकी संयोजकता 7 तक जाती है। क्लियर बच्चों? तो ये जो संयोजकता है वर्ग में अलग अलग होती है, और जो कि आपके जो एफ ब्लॉक है उसकी संयोजकता अभी तक थोड़ी डिफाइन कम हुई है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव में भी आ जाते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता थोड़ी कम डिफाइन हो पाती है। तो ये जो हमने पढ़ा था क्या है, अलग अलग वर्ग के अकॉर्डिंग संयोजकता थी, और जो संयोजकता बढ़ने का क्रम होता है वो इस प्रकार होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग बढ़ी जाती है, 1s, फिर आ जाता है 2s, 2p, 3s, 3p और 3d, फिर आ जाता है आपके 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे ही 5s, 5p, 5d और 5f, ये ऐसे हुए बढ़ता हुआ क्रम चलता जाता है इनका। तो इनके बढ़ने का जो क्रम होता है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि पहला आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, फिर 4p, 3p, 3d, ऐसे ही ये चलता हुआ जाता है ये क्रम। तो ये जो क्रम है इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ही आपका संयोजकता डिपेंड करती है।
तो ये जो थी अभी तक हमने केवल संयोजकता के बारे में पढ़ा था, तो संयोजकता के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता की परिभाषा क्या है, किसी परमाणु की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व या परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। या एक सिंपल सी परिभाषा कि वो कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, वो उस तत्व की क्या होगी, संयोजकता होगी। ये वीडियो थोड़ा स्पेशल था क्योंकि इनमें क्या थी, हमने गुणों में आवर्तता के बारे में देखा, एक चीज और कि आवर्त में कहां पर, आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो संयोजकता है वो घटती है, क्या है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले बढ़ेगी फिर घटती है, वर्ग में ये बढ़ती हुई जाती है, यानी वर्ग में आप नीचे आओगे तो ये चीज़ क्या होगी, बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है तो जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागे आसानी से जाते हैं। तो ये तो थी हमारी संयोजकता के बारे में। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप क्या करें कि आप हमें व्हाट्सअप करें और आपके जो डाउट है वो हमें मैसेज करके लिखिए। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं वो डाउट, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।